गाइस हम अपने चेहरे का तो हमेशा ध्यान रखते हैं। मैंने आपके साथ आंखों की पफिनेस के लिए भी वीडियो शेयर कर दिया, लेकिन एक चीज तो रह गई गाइस, हमारे चेहरे पे सबसे ज्यादा हाइलाइटेड चीजें क्या होती हैं? आईज, लिप्स। तो लिप्स का तो हमने बिल्कुल भी ध्यान दिया ही नहीं। तो चलिए, चेहरा तो हमने काफी चमकाया है, अब आज लिप्स की बारी है। लिप्स अक्सर हमने देखा है कि इस पोर्शन से, ज्यादातर इस पोर्शन से डार्क होने लगते हैं। कई कई बार तो पूरे ही लिप्स किसी के बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, लिप्स पे भी पिगमेंटेशन होता है, चैप्ड हो जाते हैं, रूखे सूखे ड्राई होने लगते हैं, और आगे आगे तो मौसम चेंज हो रहा है, तब ये प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करती हूँ जिसे आप वीक में 3 बार करें, ऑल्टरनेट डेज पे आप करें उसको। स्टार्टिंग में आप वीक में 3 बार इसको करें, धीरे धीरे आप 2 बार करें, और फिर धीरे धीरे वीक में 1 बार करें। आपके लिप्स की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके लिप्स नेचुरली प्लम, नेचुरली पिंक हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जो डेली वेयर में बहुत ज्यादा अगर आप लिपस्टिक का यूज करते हैं, बहुत देर तक अगर आप लिपस्टिक लगा के रखते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा डार्क कलर्स की लिपस्टिक लगाते हैं, तब भी स्किन जो कलर होता है लिप्स का, वो पिगमेंटेड हो जाता है। लिप्स हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे अपना खुद का मॉइस्चर नहीं होता। तो अगर आपके लिप्स ड्राई होने लगते हैं तो आप उसको बार 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 अपनी टंग लगा के उसको गीला करते हैं, तब भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है लिप्स के ड्राई होने का और डार्क होने का। तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ज्यादा देर तक लिपस्टिक मत अप्लाई करिए, रात को सोने से पहले लिपस्टिक को हटा के सोएं, और लिप्स को बार बार अपनी जीभ से गीला ना करें। और साथ में जो आज आपके साथ मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ, उसे हफ्ते में 3 बार जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा अपने लिप्स को पिंक करना, वो भी बिना पैसे खर्च किए। सबसे पहले लेना है आपको आधा लेमन और लेनी है थोड़ी सी चीनी। अब हमारे लिप्स पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं होनी चाहिए, और लेमन को आपको शुगर में डिप करना है। शुगर ग्रैनुअल्स लेमन के साथ स्टिक हो जाएंगे। अब आप करिए इसके साथ स्क्रबिंग। स्क्रबिंग करने से पहले आप हैंड टॉवल जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि शुगर ग्रैनुअल्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे। और ये स्क्रबिंग आपको 1 से 2 मिनट तक करना है, अच्छे से लिप्स के कॉर्नर में, सेंटर में, हर जगह आप करें। लेमन का जूस स्किन को करता है लाइट, तो वो बहुत बढ़िया नेचुरल ब्लीच होता है, तो हमारे लिप्स को भी करेगा बहुत ही अच्छे से लाइट। और जो शुगर है, शुगर होती है बहुत बढ़िया नेचुरल एक्सफोलिएटर, नेचुरल स्क्रब का काम करेगी। जितनी भी डेड स्किन की परत जम चुकी है लिप्स पे, उसको हटाएगी। ऐसा आप वीक में 2 बार कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो 1 से 2 मिनट तक स्क्रब करने के बाद जब आपको लगे कि बहुत अच्छे से स्क्रब हो गया है, तो आप इसको वॉश कर लीजिए। ये देखिए, मैंने अच्छे से स्क्रब कर लिया, अब मैं लिप्स को वॉश कर लेती हूं। लिप्स को वॉश करने के बाद अब करेंगे हम मसाज, जिसके लिए लेना है 1/4 चम्मच हनी। बहुत ही थोड़ा सा हनी की जरूरत है, और सिर्फ हमें हनी चाहिए मसाज करने के लिए, क्योंकि हनी में होती है बहुत बढ़िया एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया मॉइस्चराइजर का काम करता है। इससे बढ़िया नेचुरल मसाज के लिए तो हमें कुछ मिल ही नहीं सकता। अब इसको आप 2 मिनट तक एटलीस्ट इसके साथ मसाज कीजिए। मुझे तो टेस्ट भी बहुत बढ़िया लग रहा है, लेमन का ऑलरेडी टेस्ट है लिप्स पे, और साथ में हनी का फ्लेवर। अब इसको आप 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे लिप्स को, अंदर से, बाहर से, कॉर्नर से, जिससे कि आपके लिप्स को हनी की गुडनेस बहुत बढ़िया तरीके से मिल सके। और ऐसा करने के बाद 15 मिनट के लिए आपको लिप्स पे हनी को इसी तरह से लगाकर छोड़ना है। आपको अभी इसको रिमूव नहीं करना है, आप ज्यादा देर लगा के छोड़ सके तो वो भी बहुत बढ़िया है। बस अब ये मैंने हो गया मसाज कर लिया, अब मैं इसको एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक लगा के छोड़ दूंगी, फिर वॉश करूंगी। ये देखिए, मैंने अब लिप्स वॉश कर लिए। अब आप देख सकते हैं लिप्स नेचुरली कितने ज्यादा एक्सफोलिएटेड लग रही हैं, प्लम्प लगेंगे आपको आपके लिप्स, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगेंगे। अब लास्ट में आपको अपना कोई भी फेवरेट लिप बाम लगा लेना है। मैं जनरली ये हिमालय लिप बाम यूज करती हूँ, तो मैं ये लगा लूंगी। आप जो भी लिप बाम यूज करते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को आप रात को करिएगा। उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए अपने लिप्स को इसी तरह से छोड़ना है, और इसके ऊपर मेकअप नहीं करना है। खाना बढ़िया सा आसान सा रेमेडी, कितना हेल्पफुल है, घर की 2-3 चीजों से हो गया, लेकिन असर बहुत बढ़िया देगा आपके लिप्स को।
तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और अपने गुड रिजल्ट्स मेरे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।